नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ओबीसी महासभा के तत्वाधान में महाबंद का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा के निर्देशन में पिछड़ा वर्ग समुदाय के तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। ओबीसी महासभा द्वारा राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष बालक दास पटेल ने बताया कि ओबीसी समाज के मांग को पूरा करने के लिए ये ज्ञापन राज्यपाल के नाम से दिया गया है। ओबीसी महासभा का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दें। वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कराया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लगाई गई याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। उनमें निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण में जीत हासिल की है, लेकिन वो कितना सत्य है या कितना झूठ मध्य प्रदेश सरकार नवी सूची में जोड़कर ओबीसी वर्ग को आरक्षित कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। आज जनपद पंचायत मानपुर मुख्यालय में ओबीसी के समर्थन में कई राजनीतिक दल भी दिखे, जिनमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के नेताओं ने ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश महाबंद में भाग लिया और आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग का खुले मन से समर्थन दिया। बहुजन समाज पार्टी के नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश चौधरी, विधानसभा प्रभारी लाखन साहू, सुशील जायसवाल जैसे नेताओं ने अपने उद्बोधन दिया, जिसमें ओबीसी महासभा का समर्थन देते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा वोटर ओबीसी वर्ग की है, इसी आधार पर सरकार आरक्षण दे। कांग्रेस नेताओं का भी ओबीसी महासभा में योगदान दिखा। आरक्षण के मुद्दा को लेकर के यह आंदोलन छेड़ा गया है और जो त्रिस्तरीय पंचायत में हम लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है ओबीसी को, जिसकी जनसंख्या हमारी 52% है, सरकार भी कह रही कि 52% है, लेकिन आरक्षण हमको 14 भी मिलना मुश्किल है। मानपुर में अभी पिछले जो हुआ था आरक्षण की प्रक्रिया, उसमें कह दिया गया था सरकार के द्वारा और सरकार के अधिकारियों के द्वारा कि आपकी जनसंख्या कम हो गई है, जिससे आपको 1% भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पंचायत एक्ट की रूल्स बताया था कि वो पंचायत एक्ट के रूल में कहा जा रहा है कि 50% SC ST की जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिससे हमें ओबीसी को जनसंख्या आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हम इस अपील को हाई कोर्ट तक पहुंचाया, हाई कोर्ट में हमारी लड़ाई चल रही है, साथ में सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक उसकी कोई भी वो नहीं मिल पा रही सफलता, सिर्फ प्रलोभन मिल रहा है और लालच मिल रहा है। लालच के बदले हमें और कुछ नहीं मिल रहा देखने को। आज धोखा दे रहा सरकार, हमें धोखे में डाल करके सरकार हमारी ओबीसी को वोट बटोरने की काम करती है, लालच दे करके 27 देने की बात करती है, लेकिन 27 भी अब नहीं दिख रही हमको, क्योंकि 36% SC ST की हो जाती है, अब बचती है 14%, जिसमें 14 में क्या करती है, क्या देती है, कहाँ नहीं, जबकि अभी हम 22 जिले में सुना है कि 22 जिले में ओबीसी की आरक्षण नहीं मिलेगा और 22 जिले ही सिर्फ बाकी मिलेगी, ये हालत है। इसलिए आज हम पूरे मानपुर उमरिया जिला के लोग इकट्ठा हो करके और मध्य प्रदेश की जनता, हमारी ओबीसी SC ST के लोग बंद कर ऐलान किया था, जो आज बंद कर रहे हैं, बंद किए हैं और चक्का जाम किए हैं। जब तक हमें 27 नहीं मिलेगी हमारी ओबीसी को, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगा। ओबीसी महासभा बराबर लड़ती रहेगी आपके साथ। सरकार होश में आ जाओ, नहीं तो आप लड़ाई जारी रहेगी, चाहे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे कटना पड़े।